लेक्चर हुए, उस लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे, तो कल हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो था पोलन और पिस्टल का जो इंटरेक्शन होता है। तो उस पोलन और पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग मीन्स ऐसे इंटरेक्शन जिसमें एक ही फूल का पोलन और एक ही फूल का स्टिग्मा हो, इस तरह के इंटरेक्शन को स्टॉप किया जाता है, इस तरह के इंटरेक्शन को अवॉइड किया जाता है। और सेम फूल के पोलन और स्टिग्मा के इंटरेक्शन को रोकने के लिए तीन अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं। एक मैकेनिज्म ये है कि उनका जो मैच्योरेशन का टाइम है, उनके डेवलपमेंट का टाइम है, वो अलग होगा। दूसरा, पिस्टल और स्टैमन, इन दोनों की पोजीशन अलग होंगे, यानी पोलन प्रोड्यूस करने के लिए जो एंथर है उसकी पोजीशन, और ओव्यूल जिसमें स्टिग्मा, स्टिग्मा जो ओव्यूल में होता है उसकी पोजीशन, वो अलग अलग होंगे। तीसरा जो मैकेनिज्म है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जो जेनिक मैकेनिज्म है, जो ऑलरेडी उस प्लांट के डीएनए के अंदर होता है, उस मैकेनिज्म को कहा जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये तीन मैकेनिज्म है। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है, ये तीनों मैकेनिज्म क्या करते हैं, ये तीनों मैकेनिज्म अवॉइड करते हैं ऑटोगैमी को, ये तीनों मैकेनिज्म अवॉइड करते हैं जिटेनोगैमी को। तो इसको याद रखना। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आउटब्रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए ताकि हमेशा सेम जनरेशन, हमेशा एक जैसे कैरेक्टर आपको ना मिले, आपको हमेशा वेरिएशन मिले, आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी मिले। इसलिए हमारे पास क्या होता है, इन ब्रीडिंग को अवॉइड किया जाता है और क्रॉस ब्रीडिंग को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। अब हम ये बात कर रहे हैं कि जब हमने ये बात की कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर ये होता है कि पोलन और पिस्टल का इंटरेक्शन होता है, तो वो एक इंटरेक्शन का वो एक प्रोसेस आपके माइंड में रखिए। दूसरा, अब हम फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, जब पोलन और पिस्टल का पोलन और स्टिग्मा का जब इंटरेक्शन होता है तो फिर आगे कैसा प्रोसेस होता है, तो इसी इंटरेक्शन को नाम दिया गया है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, और उर्दू में इसको हम ट्रांसलेट करते हैं पोलन पिस्टल तामुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो कहाँ कहाँ से बनेंगे मैं वो आपको आगे समझाता हूँ। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं फिर भी इसको थोड़ा फास्ट रीड करता हूँ और समझाते चलूंगा कि जो फर्टिलाइजेशन का अमल है, या सॉरी जो पॉलिनेशन का अमल है, तो सही किस्म के पोलन का इंटरेक्शन किस पर होना चाहिए, स्टिग्मा के ऊपर होना चाहिए। तो सही किस्म के पोलन की मुंतकली जमानत नहीं दे सकते, तो आप सही स्टिग्मा के ऊपर सही पोलन की जमानत नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हवा के जरिए भी आ सकते हैं, पानी के जरिए भी आ सकते हैं, और या उनकी पोजीशन अगर एक जगह है तो भी आ सकते हैं। तो ये हो सकता है कि सही पोलन वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा, आप उसकी जमानत नहीं दे सकते। इसलिए ये मैकेनिज्म इनके अंदर रखा हुआ है कि वो पोलन को पहचानते हैं अक्सर या तो दौरिनू से या इसी पौधे से। यानी अब अगर सेम पौधे का रहेगा तो अगर वो सेल्फ इनकम्पैटिबल है तो गलत किस्म के पोलन स्टिग्मा पर आ जाता है। तो अक्सर ये होता है कि दौरिनू होती है या उस पौधे का जो पोलन होता है, तो मैंने जैसा बताया हवा के जरिए हो सकता है, पानी के जरिए हो सकता है, या किसी और जरिए से पोलन स्टिग्मा पे आ जाए, लेकिन वो पोलन हो सकता है कि उस फ्लावर का ही हो, और उस फ्लावर के होने की वजह से फिर वहां पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का प्रोसेस होगा। तो यहाँ बेसिक चीज जो याद रखना है कि जब भी पॉलिनेशन का अमल हो सकता है तो उस पॉलिनेशन के अमल में बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि जो पोलन है वो पोलन गलत पोलन भी आ जाए। गलत पोलन का मतलब है उसी फ्लावर का पोलन आने के वहां पर ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो अब आगे क्या होगा, तो जो हमने कहा कि तीन तरह के आउटब्रीडिंग के प्रोसेस होंगे, या तो उनके मैच्योरेशन का पीरियड अलग होगा, या तो उनकी पोजीशन अलग होगी, या फिर उनके अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी। तो पिस्टल क्या करेगा, अब ये सारी चीजों को अवॉइड करना है कि गलत पोलन अगर आ गया तो हमको बचना है, तो इस रोल को कौन प्ले करेगा, इस रोल को प्ले करेगा पिस्टल। इस रोल को कौन प्ले करेगा, पिस्टल। मतलब पिस्टल में ये शनाख्त करने की अहलियत होती है, पिस्टल के अंदर ये अहलियत होती है कि आया पोलन सही किस्म का है, यानी पोलन कंपैटिबल का है, या गलत किस्म का, यानी इनकम्पैटिबल। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है कि पिस्टल के पास ये एबिलिटी है कि वो पहचान सके कि सही पोलन कौन है।
सही पोलन का मतलब क्या है? सही पोलन का मतलब ये कि पोलन किसी और पौधे के फ्लावर का होना चाहिए। अगर वो उसी पौधे के उसी फ्लावर का है तो वो उसके साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर बहुत कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिए कि गलत पोलन और सही पोलन का मतलब क्या है। तो ये जो पहचानना है, तो ये पहचानने की सलाहियत किसके अंदर है? पिस्टल के अंदर। पिस्टल पहचानेगा कि उसके पास जो पोलन आया वो पोलन सही है या गलत है। अगर पोलन सही है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसके पास पोलन सही आ गया, तो अब क्या होगा? अगर वो सही किस्म का पोलन है तो पिस्टल पोलन को क्या कर देगा? कबूल कर देगा। कबूल करने के बाद क्या होगा? जेरगी का वाकया होगा। और जेरगी के वाकयात क्या होते हैं? बढ़ावा देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बार आवरी, यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वहां पर स्टार्ट होगा। तो यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना है कि पिस्टल पहले चेक करेगा कि जो पोलन आया है वो पोलन सही किस्म का है या पोलन गलत है। अब सही और गलत को टर्म क्या दिया हुआ है? कंपैटिबल और इनकंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब है पोलन किसी और फ्लावर का होना चाहिए, किसी और पौधे का होना चाहिए। और इनकंपैटिबल का मतलब क्या है? सेम फ्लावर का। तो यहाँ बहुत अच्छे से इसको याद रखिए, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजिंग अंदाज में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जैसे ही पिस्टल को मालूम पड़ गया कि सही किस्म का पोलन आ गया, तो अब वहां पर वो पोलन को अलाउ करेगा उसकी ग्रोथ के लिए। फिर उसकी ग्रोथ जब होगी तो वहां पर फिर जेरगी का अमल होगा, वहां पर पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट स्टार्ट होगा। फिर वहां पर क्या होगा? पोस्ट पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन के बाद के वाकयात, यानी पॉलिनेशन के बाद का जो बड़ा वाकया है वो क्या है? बार आवरी। बार आवरी मतलब फर्टिलाइजेशन। कौन सा अमल है? फर्टिलाइजेशन। तो फिर वहां पर क्या होगा? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट का मतलब क्या है? वहां पर स्टार्ट होगा फर्टिलाइजेशन। नाउ तो क्वेश्चन ये आता है कि पॉलिनेशन के इवेंट्स क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस इनके अंदर होते हैं। अब एक और कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से पहले एक और बात समझ लीजिए कि अगर गलत पोलन आ गया तो क्या होगा? अगर पोलन गलत किस्म का हो तो पिस्टल क्या करेगा? स्टिग्मा पर पोलन के उपजने को या फिर स्टाइल में पोलन ट्यूब की नशोनुमा को वो क्या कर देगा? रोक लगाकर पोलन को क्या कर देगा? मुस्तर्द कर देगा। यानी यहां पर देखिए, यहां पर कितने पोलन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोलन में से सिर्फ ये एक पोलन है, ये एक पोलन है, और इस एक पोलन की पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कंपैटिबल है। इसका मतलब क्या है? ये कंपैटिबल पोलन है, यानी हम दूसरे अल्फाज में कहेंगे कि ये सही पोलन है। बाकी की पोलन ट्यूब, एक तो इस पोलन को देखिए, इस पोलन का जर्मिनेशन ही नहीं हुआ। जर्मिनेशन मतलब उसकी उपज ही नहीं हुई। तो स्टिग्मा ने क्या किया या पिस्टल ने क्या किया? इस पोलन को उपजने ही नहीं दिया। दूसरा, तो पहला एक तो वो कर सकते हैं कि अगर गलत किस्म का पोलन अगर आ जाए तो वो पोलन की उपज को ही रोक देगा। दूसरा क्या करेगा? अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को उसने अलाउ कर दिया, थोड़ी बहुत पहचान या थोड़ी बहुत सही होने की बेसिस पे अगर उसने उसको अलाउ कर दिया कि उपज ले, यानी अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर ले, अपनी पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर दे, लेकिन पोलन ट्यूब बनने के बाद उसको समझ में आया कि ये जो पोलन ये गलत है, तो अब वो क्या करेगा? अब वो पोलन ट्यूब की जो नशोनुमा है, पोलन ट्यूब जो बढ़ रही है, ये पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब, ये जो बढ़ रही है इसकी नशोनुमा को भी वो क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा, उसके रोक लगा देगा। और रोक लगा के फिर इसको क्या कर देगा? मुस्तर्द कर देगा, इन पोलन को वहां से वो हटा देगा। तो यहाँ बहुत अच्छे से एक चीज याद रखना है कि जब पॉलिनेशन का अमल होता है, बहुत सारे पोलन किसी एजेंट के जरिए, पॉलिनेटिंग एजेंट के जरिए जब स्टाइल के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर डस्ट होते हैं, ड्रॉप होते हैं, तो उस स्टिग्मा या उस पिस्टल के जरिए उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। लेकिन जो पोलन कंपैटिबल होगा वही पोलन की पोलन ट्यूब बढ़ेंगी, वही पोलन का पहले जर्मिनेशन होगा, उपज होगी, फिर उसकी पोलन ट्यूब आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर वो गलत है तो पहले तो फर्स्ट फेज में ये होगा कि उस पोलन की उपज को ही रोक दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से वो पोलन की उपज हो जाए, फिर स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब की बढ़ोतरी होने लगे, उसकी डेवलपमेंट होने लगे, नशोनुमा होने लगे, और बाद में मालूम पड़े कि ये जो पोलन था ये गलत था, तब भी स्टाइल क्या करेगा? उस पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट को रोक देगा।
तो यह बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर गलत पोलन आ जाए तो हो सकता है कि उसकी उपज हो जाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद स्टाइल उसको पहचान लेगा। स्टाइल जैसी उसको पहचान लेगा तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ रुक जाए। यहां पर किसी को कोई डाउट है? आयशा? नहीं सर, हाँ आउटब्रीडिंग के अंदर सेल्फ इनकम्पलीटिव रहूंगा, जिससे ऑटोगैमी और गेटेरोगैमी रुक जाएंगी, तो फिर उनमें भी तो सकता सेम सेम, असल में ये जो प्रोसेस बता रहा है ना, वो उसी को अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर क्या होता है, सेम इसी तरह से होता है कि पोलन से जो पोलन ट्यूब डेवलप हो रही है उसको स्टॉप कर देते हैं। तो उसी प्रोसेस को, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को इन्होंने यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया, वो एक्सप्लेन किस केस में किया, इस केस में किया कि पोलन अगर गलत हो जाए तो, पोलन गलत हो जाए तो का मतलब क्या है, पोलन गलत का मतलब है कि सेम फ्लावर का पोलन वहां पर अगर डस्ट हो जाए, तो सेम फ्लावर का पोलन अगर स्टिग्मा पे गिर जाए तो ये प्रॉब्लम होगी। एक तो वो उपज नहीं होंगी, या फिर अगर उसकी उपज हो गई और पोलन ट्यूब बनना भी स्टार्ट हो गई तो थोड़ी देर के बाद स्टाइल उसको पहचान लेगा, और जब स्टाइल उसको पहचान लेगा तो वो उस पोलन ट्यूब को क्या कर देगा, उसकी नशोनुमा को रोक देगा। उसी प्रोसेस को सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। आयशा? आयशा बेटा, डाउट क्लियर हुआ आपका, जी सर। है ना, समझ में आया? तो वही प्रोसेस को यहां पर उन्होंने सिर्फ इलैबोरेट किया क्या बोल रहे, बोलना कुछ नहीं। ना। एक और चीज, पिस्टल की पोलन को पहचानने, अब पिस्टल जो है वो पोलन को पहचानने और बाद में उसे कबूल करने या मुस्तर्द करने कि ये अहलियत पोलन और पिस्टन के माबीन मुसलसल हो रही गुफ्तगू का नतीजा है। अब ये हो क्यों रहा है कि पिस्टन ने बहुत देर के बाद पोलन को पहचाना, या बाद में उसको पहचान के बोला कि नहीं मैं नहीं पहचानता हूँ, फिर बाद में उसको वहां से निकाल दिया। तो ये बहुत दिनों तक जो उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उनके बीच में जो केमिकल एक्सचेंज हो रहे हैं, वो कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है, ये कुछ केमिकल बना रहा है, वो कुछ प्रोटीन बना रहा है, ये कुछ प्रोटीन बना रहा है, तो उनके बाद उनको समझ में आएगा कि ये सेम है या अलग है। इस गुफ्तगु में क्या होता है, इस गुफ्तगु में यानी इस इंटरेक्शन में पोलन के कीमियाई अज्जा पिस्टल के अज्जा से तामुल करते हुए वसीले का काम करते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो कीमियाई अज्जा है, तो ये कीमियाई अज्जा पिस्टल और पोलन, अगर फॉर एग्जाम्पल पोलन से जो कीमियाई अज्जा बन रहे हैं वो अज्जा पिस्टल से बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों भी एक ही फ्लावर के हैं। अगर पोलन से बनने वाले कीमियाई अज्जा और पिस्टल से बनने वाले कीमियाई अज्जा दो अलग अलग है, इसका मतलब पोलन किसी और फ्लावर से आया हुआ है। तो यहाँ बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है कि ये जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन में इसको एक्सेप्ट करना है या इसको मुस्तर्द करना है, इसको कबूल करना है या इसको रिजेक्ट करना है, ये दोनों भी चीजें जो डिपेंड है वो केमिकल इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड है। और ये जो केमिकल इंटरेक्शन है, ये केमिकल इंटरेक्शन ही जिसको हमने लास्ट टाइम कहा था जीनिक मैकेनिज्म, कि उनके डीएनए के ऊपर डिपेंड है, उनके डीएनए के अंदर ये इंफॉर्मेशन है कि पोलन ये टाइप के ही केमिकल बनाएगा, पिस्टल के अंदर ये इंफॉर्मेशन है कि पिस्टल यही टाइप के केमिकल बनाएगा, और यही केमिकल अज्जा पिस्टल और पोलन के बीच में क्या करते हैं, वसीले का काम करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन का काम करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हालिया बरसों की बात है, यानी ये अभी अभी की बात है कि माहिरी ने नबातात कुछ पोलन और पिस्टल अज्जा और उनके माबेन तामुल की शनाख्त के काबिल हुए, और ये जो रिसर्च हुई या ये जो बातें हमको मालूम पड़ी है ये अभी अभी की है, जिससे पहचान और उसके बाद कबूल करने का अमल आसानी से क्या होता है, हो पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पोलन पिस्टल की, पोलन को कैसा पिस्टल पहचानती है, कौन सा केमिकल रिलीज करती है, तो ये बहुत डिटेलिंग टॉपिक है, ये आप आगे चल के इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखिए कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जब होता है तो दो तरह से, दो दो लेवल पे होगा, पहले तो पोलन पिस्टल के साथ इंटरेक्ट करेगा, अगर वो कंपैटिबल है तो फिर स्टिग्मा या इस पिस्टल उसको डेवलप होने के चांस देगा, डेवलपमेंट होने की वजह से पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब अगर बनती है तो आगे चल के फर्टिलाइजेशन का अमल होगा।
लेकिन अगर गलत पोलन आता है तो गलत पोलन आने की वजह से पहले तो ये होगा कि पोलन को ग्रोथ ही नहीं होने देंगे, लेकिन अगर किसी वजह से पोलन से पोलन ट्यूब बन भी गई तो जब वो पोलन ट्यूब स्टाइल के अंदर जाएंगी तो स्टाइल उसको पहचान लेंगी कि ये इनकम्पैटिबल है और पोलन गलत है, और पोलन उसको वहां से सॉरी स्टिग्मा उसको वहां से क्या कर देंगी, रिमूव कर देंगी। रिमूव कैसे करेंगी, वो पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट को क्या कर देंगी, स्टॉप कर देंगी। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको अच्छे से याद रखिए। इसमें अगर कोई डाउट है तो मुझको जरूर पूछिए। नाउ हम यहाँ पर अब बात कर रहे हैं कि ये जो पोलन पिस्टन इंटरैक्शन होता है इसके अंदर पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट कैसा होता है, पोलन ट्यूब यहाँ पर डेवलप कैसी होती है। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर किसी का मैसेज आया, अभी 2 मिनट में पहले मैसेज देख लेता हूँ किसका है। किसी का आवाज आ रही है नहीं आ रही है? सर हमारे भाई की कॉल आ रही है, बात कर लो आयशा बेटा। ठीक है ना, एक चीज जिसको याद रखना है कि हम लोगों ने इससे पहले भी ये डिस्कशन किया हुआ है कि जो पोलन होता है पोलन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मौजू जेरगी के बाद पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर फूटता और पनपता है। तो हमने कहा कि ये जो स्टिग्मा है इस स्टिग्मा के ऊपर पोलन है और ये पोलन आगे फूटेगा यानी उपज होंगे और उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। फिर ये जो डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, ताकि वो जर्म पोर में से एक के जरिए, जर्म पोर में यानी जितने भी जर्म पोर्स है उन जर्म पोर में से एक जर्म पोर के जरिए पोलन ट्यूब बना सके, उसके अंदर क्या बनना शुरू हो जाएंगी, पोलन ट्यूब। तो आपको अगर याद होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि ये पोलन है और इस पोलन के ऊपर क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है, जर्म पोर। क्या होती है यहाँ पर, जर्म पोर, और यहाँ न्यूक्लियस होता है, याद होगा। तो मैंने इस वक्त बताया था आपको कि ये यहाँ से ये पोलन ट्यूब डेवलपमेंट होती है। तो ये जो भी जर्म पोर है इन जर्म पोर से क्या निकलेंगी बाहर, पोलन ट्यूब। तो ये जो आपको पोलन ट्यूब दिख रही है ये पोलन ट्यूब बेसिकली कहाँ से आई, ये जो जर्म पोर था वहां से। तो जो पोलन होता है उस पोलन के ऊपर बहुत सारे पोर होते हैं, बहुत सारे होल होते हैं, उन होल में से आप पोलन ट्यूब बाहर आ सकती है। पोलन ग्रेन के मशमूलात पोलन ट्यूब में चले जाते हैं। मशमूलात का मतलब क्या होता है, मशमूलात का मतलब होता है कंटेंट। यहाँ पर जितना भी कंटेंट था, न्यूक्लियस था या जो भी यहाँ पर थे, सेनर्जिट सेल थे, बहुत सारे सेल थे यहाँ पर, वो सारे के सारे सेल कहाँ पर आ जाएंगे, पोलन ट्यूब के अंदर स्टिग्मा के टिश्यू के जरिए। अब जो स्टिग्मा है उसके टिश्यू के जरिए पोलन ट्यूब और स्टाइल की नशोनुमा होती है। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको याद रखना है कि ये जो स्टिग्मा है, ये जो स्टिग्मा है ये पूरा पार्ट, ये स्टिग्मा क्या करता है, ये पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है, उसको डायरेक्ट करता है कि उसका डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वो कितना बढ़ना चाहिए। ये सारा जो डायरेक्शन ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्टिग्मा के टिश्यू। और फिर क्या होता है, वो बैजेदानी तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो यहां से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, देन उसको डायरेक्शन देते 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 कहां तक पहुंचा दिए, बैजेदानी तक यानी ओव्यूल्स तक उसको पहुंचा दिया गया। आपको याद होगा कि कुछ पौधों में, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि कुछ पौधों में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स टू सेल वाली हालत में। मैंने इससे पहले भी कहा कि 2 सेल और 3 सेल, हमने लास्ट लेक्चर में ये बात अच्छे से डिस्कशन किए कि कुछ सेल, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 सेल स्टेज में ही पोलन बाहर आ जाता है, और कुछ जगह पर हमने पढ़ा था कि वहां पर 3 सेल स्टेज में ये बाहर आता है। तो कुछ पौधों में पोलन ग्रेन 2 सेल वाली हालत में झड़ जाते हैं, एक नबाताती और एक जेनरल जेनर ट्यूब से। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये बात पढ़े थे कि पोलन ग्रेन्स और उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो 2 स्टेज में 2 सेल की हालत में वहां से रिलीज होते हैं, और ऐसे पौधों में जेनरल ट्यूब सेल तकसीम होकर, जो जेनरेटिव सेल है आपको याद होगा वहां पर हमने 2 तरह के सेल पढ़े थे, एक जेनरेटिव सेल पढ़े थे हमने वहां पर, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि ऐसे पौधे में जेनरेटिव सेल तकसीम होकर स्टिग्मा में पोलन ट्यूब की नशोनुमा के दौरान 2 नर गैमेट्स बनाते हैं। अब एक चीज और जिसको यहाँ याद रखना है कि यहाँ पर कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ 2 सेल स्टेज होती है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर 3 सेल स्टेज होती है। जिन पोलन के अंदर 2 सेल स्टेज है उनके अंदर एक तो न्यूक्लियस खुद नबाताती होता है और दूसरा जो न्यू होता है वो जेनरेटिव सेल होता है। लेकिन 3 सेल स्टेज वाले के अंदर क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल स्टेज, जनरेटिव सेल होता है जब पोलन ट्यूब डेवलप हो रही है स्टिग्मा के अंदर यानी यहाँ पर,
जब ये डेवलपमेंट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पोलन ट्यूब इस तरह से बनाऊं, तो इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है, इस पोलन ट्यूब के अंदर एक सेल होता है, इस सेल को आप कह रहे हैं जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल क्या हो जाता है, एक से दो हो जाते हैं। तो जनरेटिव सेल किस स्टेज में आ जाते हैं, थ्री सेल स्टेज में। जनरेटिव सेल डिवाइड होके कितने सेल बन गए, वहां पर तीन सेल। तो यहाँ बहुत बेसिक कंसेप्ट जिसको आपको याद रखना है कि ये जो डिवीजन हो रहा है, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये कब हो रहा है, ये उस वक्त हो रहा है जब पोलन ट्यूब की नशो नुमा हो रही है। जब पोलन ट्यूब की नशो नुमा हो रही है कहां पर हो रही है, स्टाइल के अंदर। तो स्टाइल के अंदर जब पोलन ट्यूब की नशो नुमा हो रही है, तब ये जनरेटिव सेल एक से दो सेल में बन गया, और एक से दो सेल में जब ये बना तो उसने दो नर गैमेट्स बनाए। ठीक है, इन पौधों में, यानी ऐसे पौधों में जो तीन सेल वाली हालत में पोलन्स को बाहर निकालते हैं, शुरू ही से पोलन ट्यूब में दो नर गैमेट्स होते हैं। तो ऐसे फ्लावर, ऐसे पौधे जिनके अंदर थ्री सेल वाली हालत में ये काम होता है, तो पहले से ही उनमें पोलन ट्यूब के अंदर दो नर गैमेट्स होते हैं। पोलन ट्यूब बेजादानी तक पहुंचने के बाद, अब जैसे ही पोलन ट्यूब बेजादानी तक पहुंच जाएगा, तो माइक्रोपाइलर के जरिए ओव्यूल में, अब माइक्रोपाइलर इंट के जरिए वो कहाँ पहुंच जाएगा, ओव्यूल तक में, फिर सिनर्जीज में से एक में फिलीफॉर्म एपरेटस के जरिए दाखिल होता है। फिर वो क्या करेगा, सिनर्जीज सेल में से एक में फिलीफॉर्म एपरेटस। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसका डायग्राम बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि एक ये एग न्यूक्लियस यहाँ पर है और ये मरकजी सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सिनर्जीज सेल है, और यहाँ पर है फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस मतलब कुछ स्पेशल टाइप के सेल है, लाइक एज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हमारी उंगलियां होती है वैसी ये प्रोजेक्शंस होती है। और अब क्या हो रहा है कि जब ये जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, ये जो पूरी पोलन ट्यूब यहाँ तक आ गई, तो पोलन ट्यूब को अब डायरेक्ट करना है, पोलन ट्यूब को ले जाके कहाँ पर अटैच करना है उसको, एग सेल के साथ। तो अब ये जो अटैचमेंट है वो कैसा करेंगे, तो यहाँ तक डायरेक्शन कौन देगा, तो डायरेक्शन देने का काम कौन करेंगे, एक एक तो फिलीफॉर्म एपरेटस और दूसरा करेगा सिनर्जिड से, दूसरा चीज कौन करेगा, सिनर्जिड से। तो यहाँ पर सिंपल याद रखना कि जो भी पोलन ट्यूब बन रही है, उस पोलन ट्यूब को ओव्यूल तक, बैजे तक या एग सेल तक, अंडे तक लेकर जाने का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो सिनर्जिड्स में और फिलीफॉर्म एपरेटस। तो वहां तक उसको ले जाने के लिए डायरेक्शन दी जाएंगी, और उस डायरेक्शन के बेसिस पे जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर, पिस्टल के अंदर रन करेंगे, और फिर वो अपनी सही डायरेक्शन में, अपनी सही जगह पर वो पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखना है कि पोलन ट्यूब बैजे दाने तक पहुंचने के बाद माइक्रोपाइलर के जरिए ओव्यूल में, फिर सिनर्जीड में से एक में फिलीफॉर्म एपरेटस के जरिए वो क्या हो जाता है, दाखिल हो जाता है, वहां पर वो इंटर हो जाता है। तब जाके वहां पर फिर क्या होगा, वो जो मेल गैमेट बने, जो नर गैमेट बने, वहां पर वो रिलीज होंगे, और फिर उसके बाद वहां पर जाइगोट बनना शुरू होगा, और वो फिर आगे चल के सीड वगैरह में कन्वर्ट होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ बेसिक कंसेप्ट जो आपको याद रखना है कि पोलन और पिस्टल का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, और इस पोलन और पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर कौन कौन किस तरह की गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, सिनर्जिड सेल क्या कर रहे हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, किस अंदाज में उसको हेल्प कर रहे हैं। नाउ यहां पर किसी को कोई डाउट है, ये देखिए उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ये है पोलन, ये पोलन, और ये पोलन का पोलन, पोलन का पोलन ट्यूब है। फिर ये पोलन ट्यूब की देखिए इलांगेशन कितनी बड़ी है, ये प्लांट के अंदर उसकी इमेज है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सी वाला, ये जो थर्ड डायग्राम है उसमें उसने उन्होंने ये बताया कि किस तरह से पोलन ट्यूब डेवलप होते हुए कहाँ तक पहुंच गई, माइक्रोपाइलर इंट तक पहुंच गई। फिर वहां पर उनके अंदर वो इंटरेक्शन होने के बाद वो पोलन ट्यूब कैसा गया, तो नर गैमेट्स, और फिर यहाँ पीछे कौन है, न्यूक्लियस, फिर यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस, ये फिलीफॉर्म एपरेटस उसको इंटर होने के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं, और साथ ही साथ आगे आगे कौन है, सिनर्जी से। देन आगे चल के क्या होगा, आगे इस मालूम से क्या मालूम होता है, या इतना पूरा स्टडी करने से क्या मालूम होता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट इवेंट्स है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वाकये होते हैं, अलग अलग हालात आते हैं जिनके बाद ये पूरा इंटरेक्शन होता है।
तो बहुत से हालिया मुताला से यानी अभी तक जो पढ़ा है इससे पता चलता है कि जो सिनर्जी सेल है जो कहाँ पर होते हैं, माइक्रोपाइलर हिस्से पर मौजूद होते हैं और फिलीफॉर्म एपरेटस पोलन ट्यूब के दाखले की रहनुमाई करता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि सिनर्जी सेल के पास जो वो फिलीफॉर्म एपरेटस मौजूद है वो बेसिकली क्या करते हैं, वो जो पोलन ट्यूब आ रही है, पोलन से जो ट्यूब निकल के आ रही है उसके दाखले में उसके एंट्री के लिए क्या करते हैं, वो रहनुमाई करते हैं। तो जहां तक यहाँ ये जितने भी वाकयात ये जितने भी इवेंट्स है यही वाका ये जो बताया ये बेसिकली जमा है। तो जितने अलग अलग वाकयात है तो ये जितने जितने अलग अलग इवेंट्स है उनकी जमा है। तो ये तमाम वाकया पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर जमा होने से यानी पोलन ग्रेन कहाँ पर आएगा, स्टिग्मा पर आएंगे और पोलन ट्यूब के ओव्यूल में, और उसके बाद पोलन ट्यूब के कहाँ पर आना चाहिए, पोलन ट्यूब के ओव्यूल में दाखिले तक ये पूरा जो अमल होता है इसको कहा जाता है पोलन पिस्टल तामुल। और ये बात भी कि पहले जो बात बताया गया हमने कि पोलन पिस्टल तामुल एक फाल अमल है, पोलन पिस्टल तामुल ये कैसा अमल है, ये फाल अमल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको याद रखिए। ये बेसिकली कैसा अमल है, ये फंक्शनल, कैसा प्रोसेस है, ये फंक्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको याद रखना है। जिसमें पोलन का पहचान करना, तो सबसे पहला इसमें क्या होता है, इस फंक्शनल अमल का पहली बात क्या है, पहला ये है कि पहचान, पहले क्या हो, पहचान हो कि जो पोलन आया वो पोलन सही है या गलत है ये, और बाद में पोलन हर की अमदाद या रुकावट शामिल, बाद में पोलन जो है पोलन के हर की इमदाद या रुकावट यानी आगे चल के क्या होगा, पोलन की या तो रहनुमाई होगी, पोलन की या तो रहनुमाई होगी या फिर पोलन को क्या कर देंगे, रोक दिया जाएगा, उसको वहीं पर रुका दिया जाएगा। तो इसलिए ये जो पूरा अमल है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन का ये अमल कैसा है, ये फंक्शनल है, ये पूरा जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कैसा है, फंक्शनल प्रोसेस है, ये कोई डेड प्रोसेस नहीं है, ये फंक्शनल प्रोसेस है। और इस फंक्शनल प्रोसेस में क्या होता है, इस फंक्शनल प्रोसेस में ये होता है कि जो पोलन आया है उस पोलन को गाइड किया जाता है, उस पोलन की रहनुमाई की जाती है, उस पोलन को पहले पहचाना जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अमल है, इसको आपको याद रखना है। फिर इस मैदान में हासिल करदा मालूमात प्लांट ब्रीडर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नई टेक्नोलॉजी है प्लांट ब्रीडर, प्लांट ब्रीडर की मतलूबा हाइब्रिड्स के हुसूल के लिए गैर मौजूद जेरगियों में भी पोलन पिस्टल तामुल को मौसर तौर पर इस्तेमाल करने में मदद करती है। ऐसे बहुत सारे प्लांट होंगे यानी हमने अभी जैसा पढ़ा कि ये जो नॉलेज है, इस नॉलेज से क्या होगा, इस इल्म से क्या होगा, इस इल्म से फायदा ये होगा कि जो हाइब्रिड बनाने वाले जो प्लांट ब्रीडर है, तो प्लांट ब्रीडर के लिए अब हाइब्रिड बनाना बहुत आसान हो गया। किस बुनियाद पे, कि उनको ये मालूम होंगे कि कौन सा पोलन कौन से पिस्टल के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, और अगर हमको ये करवाना है तो हमको कौन कौन सी नई टेक्निक का यूज करके हम दो अलग पोलन पिस्टल या दो ऐसे पोलन पिस्टल जिनके अंदर इंटरेक्शन नहीं हो सकता वो भी करवा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली जो प्लांट ब्रीडर है वो इस टेक्निक इस नॉलेज का इस्तेमाल करके जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड के ज्यादा से ज्यादा हुसूल के लिए क्या करेंगे, आसानी करेंगे उनके लिए ये, अब न, उनको समझना कि कौन सा वाला पिस्टल का इंटरेक्शन कौन से वाले पोलन के साथ आसानी से हो जाता है, ये उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन थी ये प्लांट ब्रीडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बच्चों अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज आगे देखने वाले, एक और टेक्निक है, उस टेक्निक को इमैस्कुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, इमैस्कुलेशन। और लेकिन उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को आपको समझना है और अगर हो सके तो आप घर पे इसको परफॉर्म कर सकते हैं, घर पे आपको आप इसको अमल में ला सकते हैं। अब ये जो जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंट में है क्या, बहुत सिंपल है कि आपको क्या करना है, एक ग्लास स्लाइड लेना है यानी आपको एक कांच लेना है, सिंपल ग्लास स्लाइड लेना है। ग्लास स्लाइड का मतलब होता है कांच की तरह, यानी आप घर में जो कांच होती है ट्रांसपेरेंट जो कांच होती है, आईना वाला नहीं, ट्रांसपेरेंट कांच, वो लेना है। एक ग्लास स्लाइड पर एक कतरा शक्कर के महलूल यानी जो शक्कर रहेंगे उसको डिजोल्व करके लेना है, तकरीबन 10 फीसदी, 10 फीसदी मतलब अगर 100 ml वाटर है यानी 10 ml पानी है तो उसमें 10 ग्राम शक्कर होना चाहिए, सॉरी 100 ml, कितना 100 ml, 100 ml अगर पानी, 100 ml अगर वाटर है तो इसके अंदर आप कितनी शक्कर ऐड करेंगे, इसके अंदर आप ऐड करेंगे शक्कर 10 ग्राम। तो अगर आप इस तरह का सोल्यूशन बनाते हैं तो ये कितना हो गया, 10%,
कितना हो गया 10%। तो इस तरह का सोल्यूशन आपको बनाना है, और उसमें क्या करना है, मटर और उसके बाद छोटे मटर, फिर क्रोटो क्रोटोलेरिया, बिल्सिम और विनका, ये जो अलग अलग पौधे हैं इनके फ्लावर आपको लाना है, और इन फूलों से क्या करना है, कुछ पोलन झाड़कर बआसानी पोलन के उपजने का मुताला करना है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, वो जो पानी है उस पानी के अंदर लाके उनको डस्ट कर देंगे, झड़ा देंगे, तो इनके जितने भी पोलन है वो पोलन कहाँ पर गिर जाएंगे, इस महलूल के अंदर, और इस महलूल के अंदर जैसे वो गिरेंगे तो फिर आपको इनके स्टडी करना है। कब करना है आपको ये, तकरीबन 15 से 30 मिनट के बाद, कम कुव्वत की खुर्दबीन के नीचे स्लाइड का आपको क्या करना है, मुशाहिदा करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक 10% का शकर का महलूल बनाएंगे, उसके बाद उसके अंदर कई सारे पोलन ला के डालेंगे अलग अलग प्लांट के, जो प्लांट आपके अतराफ में अवेलेबल है, ऐसे पौधे जो आपके सराउंडिंग में अवेलेबल है उनको ला लीजिए, ये फ्लावर के नाम जिनके यहाँ लिखे, अगर ये नहीं मिलते हैं तो भी आप क्या करिए, अतराफ में जो भी फ्लावर आपको दिख रहे हैं लेकर आइए, देखिए उनमें क्या होता है वो तो देखिए, और उनको डस्ट कर लीजिए। 15-20 मिनट के बाद आप उनमें से एक एक पोलन को निकालिए, उसको काश पे रखिए, और उसको क्या करिए, खुर्दबीन के अंदर उसको क्या करिए, ऑब्जर्व करिए, उसका मुशाहिदा करिए। इस बात का इम्कान है कि आप पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब्स को बाहर आते हुए देख पाएंगे, और ये बात हो सकती है कि आपको बहुत आसानी से वो पोलन ट्यूब वहां पर दिखाई दे। तो यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिक भी इसका एक्सपेरिमेंट को बताने की कोशिश किया है, ये ग्लास स्लाइड है, इस ग्लास स्लाइड के ऊपर देखिए शकर का महलूल है, इसमें आपको पोलन डस्ट कर देना है, और उसके बाद जब आप ये पोलन का डेवलपमेंट होगा तो आप उसको इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह आपको दिखेगा कि ये पोलन है और ये पोलन ट्यूब है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोग घर पे भी कर सकते हैं, आपके टीचर की मदद से कर सकते हैं, है ना जी। नाउ बच्चों, अब इसके आगे एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छा है, इसको हमको पढ़ना है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इमैस्कुलेशन। क्या कहते हैं उसको, इमैस्कुलेशन। तो मैं इसको आगे डिटेल में बताऊंगा, बट आप यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं उसको डिटेल में आगे इमैस्कुलेशन क्या होता है वो समझाऊंगा। तो प्लांट ब्रीडिंग से मुतालिक बाब में मजीद देखेंगे, तो ये जो प्रोसेस है इसमें, इस प्रोसेस के अंदर हम और भी कुछ डिटेल में देखेंगे, लेकिन वो सारा का सारा हम उस वक्त देखेंगे जब हम देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग। तो 12th का एक चैप्टर है जहां पर प्लांट ब्रीडिंग के सारे प्रोसेस है, हम वहां पर ये सारी चीजें देखेंगे, और वो है बाब नंबर 9, चैप्टर नंबर 9। एक ब्रीडर माशी तौर पर नफा बख्श, कोई भी प्लांट ब्रीडर हो, वो प्लांट ब्रीडिंग यानी किसान जो है, प्लांट ब्रीडर का मतलब क्या है, सिंपल इतना समझ लीजिए कि कोई किसान है, वो किसान क्यों कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए, नफा चाहिए। नफा बख्श और तसल्ली बख्श खसूसियात पर हामिल बेहतर अकसाम या नस्लों की बारावरी कराता है। तो जो प्लांट ब्रीडर होता है वो क्या कराता है, बेसिकली ऐसे पौधों की अफजाइश कराता है जिनसे उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा उनकी ग्रोथ होगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों की वजह से उसका फायदा ज्यादा होगा। फसलों की बेहतरी के लिए मस्नूई मखलूतियत को कहा जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला तरीका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, उसको क्या कहा जाता है, मस्नूई मखलूतियत। ऐसे क्रॉसिंग तजुर्बात में इस बात का यकीन करना बेहद अहम है कि जेरगी के लिए सिर्फ मतलूबा पोलन ग्रेन का ही इस्तेमाल हो रहा है और स्टिग्मा की आलूदा होने से हिफाजत की गई है। तो अब अगर आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना है तो दो चीजें आपके जहन में होना चाहिए, एक एक तो कि आपको यकीन इस बात का हो कि जो पोलन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है, दूसरा आपको इस बात का यकीन हो कि जो स्टिग्मा आप यूज कर रहे हो वो स्टिग्मा के साथ किसी और पोलन ने अभी तक कोई इंटरेक्शन नहीं किया, इस स्टिग्मा के साथ वही पोलन इंटरेक्शन कर रहा है जो आप चाहते हैं, तभी जाकर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, और वो हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसको आप कहेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इस बात को याद रखिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कब सही होगा, जब आपको ये दो बातों का इल्म हो, एक कि पोलन पोलन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो वो पोलन सही है, राइट है, और दूसरा स्टिग्मा, स्टिग्मा वो है जिसके साथ अभी किसी भी पोलन का इंटरेक्शन नहीं हुआ, वो बहुत महफूज है, उसकी हिफाजत की गई है। फिर ये एक और है कि ये जो प्रोसेस है दो तरह के होते हैं, एक होता है इमैस्कुलेशन, एक जो अमल होता है उसको कहा जाता है इमैस्कुलेशन, और एक होता है बैकिंग।
तो यहाँ पर बेसिकली दो टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, एक हो रही है इमैस्कुलेशन, एक हो रही है बैगिंग। अब ये इमैस्कुलेशन और बैगिंग को मैंने देखिए यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाया है, लेकिन इनकी डिटेल स्टडी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हमारे पास जो अमल हो रहा है बेसिकली वो क्या हो रहा है, दो अमल हो रहे हैं जिसके जरिए हम प्लांट को हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, प्लांट के अंदर और डेवलपमेंट हो रहे हैं। और ये जो डेवलपमेंट करवा रहे हैं किस जगह पे करवा रहे हैं, उस जगह पे करवा रहे हैं जब पोलन का और पिस्टल का इंटरेक्शन होने वाला है, यानी पोलन और पिस्टल का इंटरेक्शन जो आमतौर पे नेचुरली होता है, अब हम उसको आर्टिफिशियल वे में, हम हमारे तरीके से, हम जब चाहेंगे पोलन का इंटरेक्शन स्टिग्मा से होगा, हम जब चाहेंगे तभी स्टिग्मा के ऊपर पोलन जाके बैठेगा, हम जब चाहेंगे तो वही पोलन जाके बैठेगा जिसको हम ऐड करेंगे। ये वाला जो अमल है, ये वाले अमल को हमको समझना है। तो एक अमल वो नेचुरल होता है, अब दूसरा जो अमल हम पढ़ रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, मस्नूई है, इंसानों का बनाया हुआ अमल है, ठीक है ना। तो अब इस अमल में होता क्या है, इस अमल में होता क्या है, अगर मादा पेरेंट्स जो फ्लावरिंग प्लांट है, अगर मादा पेरेंट्स में दो सिंफी, कितने सिंफ के हो, दो सिंफी अगर फूल हो, तो एंथर्स, दो सिंफी अगर फूल है, दो सिंफी अगर फूल है तो क्या होगा, दो सिंफी फूल हो तो एंथर्स के फटने से पहले फूल की कली से, यानी जो एंथर है, हमने मालूम, हमको मालूम है कि स्टेमन है, स्टेमन के अंदर एंथर है और एंथर के अंदर बनता है पोलन ग्रेन। तो अब यहाँ पर बात की हो रही है कि अगर मादा पेरेंट्स में दो सिंफी फूल हो तो एंथर्स के फटने से पहले हम क्या करेंगे, फूलों की, ये जो फूल है, फूल की कली से एंथर को अलग कर लेंगे, और अलग करने के लिए एक अदद चुंबटी की जरूरत होती है, यानी जो एंथर होगा, यानी ये फ्लावर है, ये सॉरी ये स्टेमन है, इस स्टेमन के ऊपर ये एंथर है, तो हम क्या करेंगे इस एंथर को चुम्बटे के जरिए, ठीक है, यहां से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। इस इकदाम को कहा जाता है इमैस्कुलेशन, ये जो अमल आपने किया, इस अमल को आप क्या कहते हैं, इस अमल को आप कहते हैं इमैस्कुलेशन, इस अमल को क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। यानी ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, ये जो फ्लावर है इसके अंदर कई सारे एंथर है, और इन एंथर को आपने चुम्बटे के जरिए, यानी चुम्बटी के जरिए क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो जब आप किसी एंथर को स्टैमन में से, यानी फ्लावर में से चुम्बटे के जरिए अलग कर देते हैं, तब उस अमल को कहा जाता है इमैस्कुलेशन। अब आपने ये क्यों किया, आपने इसलिए किया क्योंकि आप इन्हीं पोलन को एक स्पेसिफिक मखसूस आपके छुने हुए स्टिग्मा पे ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, छड़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आपने बेसिकली क्या किया, आपने क्या एंथर में से, सॉरी स्टेमन में से एंथर को रिमूव कर लिया। तो इस अमल को क्या कहा जाता है, इमैस्कुलेशन। वो फूल जिन पर इमैस्कुलेशन का अमल किया गया उन्हें मुनासिब साइज के थैले से ढकना चाहिए। फिर ऐसे फूल जिनके ऊपर आपने इमैस्कुलेशन का अमल किया, फिर उनको क्या करना चाहिए, थैले से ढकना चाहिए, यानी उनको कैरी बैग वगैरह से आप क्या कर सकते हैं, ढक सकते हैं। उमूमन ये थैला जो होता है ये बटर पेपर का बना हुआ होता है ताकि स्टिग्मा की गैर मतलूबा पोलन की आलूदगी से हिफाजत हो जाए। तो बेसिकली आप करना क्या चाह रहे हैं, ये जो थैला आपने फ्लावर को बांधा, क्यों बांधा, ताकि अब जो पीछे स्टिग्मा बच गया उस स्टिग्मा के ऊपर कोई गैर मतलूबा पोलन आकर बैठा ना जाए। और इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आप बटर पेपर का थैला इस्तेमाल करते हैं। और इसी अमल को कहा जाता है बैगिंग, इसी अमल को क्या कहा जाता है, बैगिंग। यानी जिस तरह से बैग बनाने वाले को हम बैग बनाने वाला, तो बैगिंग, तो यहाँ पर जो बैगिंग का मतलब है वो क्या है कि आपने क्या किया, बैग बना दिया या थैला बना दिया। अब ये थैला और बैग क्यों बनाया, ताकि उसकी क्या हो, हिफाजत हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। तो दो अमल है, एक अमल है जिसको कहा जा रहा है इमैस्कुलेशन, एक अमल है बैगिंग। और ये अमल कहाँ पर हो रहा है, ये अमल है इससे फ्लावर के अंदर है, तो जो दो सिंफी है, दो सिंफी का मतलब है ये फ्लावर है, सॉरी ये एक फूल है, और इस फूल के अंदर क्या है, स्टिग्मा है, और इस फूल के अंदर, सॉरी इस फूल के अंदर ये पिस्टल है, और इस फूल के अंदर क्या है, स्टेमन। तो इस स्टेमन को तो आपने यहां से, इस स्टेमन से आपने क्या किया, इस स्टेमन से आपने क्या किया, ये जो
स्टेमन था, यहां से आपने एंथर रिमूव कर दिया। अब पीछे कौन बचा? अब पीछे बचा आपके, अब पीछे आपके कौन बच गया? पिस्टिल। अब इस पिस्टिल से, इस पिस्टिल से किसी और फ्लावर का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। और फ्लावर का अगर इंटरेक्शन हो जाएगा तो अमले पॉलिनेशन का अमल हो जाएगा और अमले बारावरी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे? इसके ऊपर बैग, इसके ऊपर कवर लगा देंगे इस तरह से। तो ये जो अमल है, दो तरह के अमल है। एक अमल में वो है कि आपने एंथर को रिमूव कर लिया ताकि पोलन झड़े ना, पोलन गिरे ना, और दूसरा आपने क्या किया, जो पिस्टिल है उसका आपने हिफाजत कर लिया ताकि उसके साथ कोई पोलन आके इंटरेक्शन ना करे। ठीक है, ये दो अमल है, एक है इमैस्कुलेशन और एक है बैकिंग। और ये कहां पर होता है? ये होता है दो सिंफी फूलों में। जब थैला बंद हो, बंद फूल का स्टिग्मा उस हालत में पहुंचता है और पोलन को कबूल कर सकता है, तो नर पैरेंट के एंथर से इकट्ठा किए गए पुख्ता पोलन ग्रेन्स, यानी आपने क्या करे, जैसे ये देखे कि अब पिस्टल का डेवलपमेंट होने वाला है, और जैसे पिस्टल का कंप्लीट डेवलपमेंट होने लग रहा है, तब आप क्या करेंगे कि अब आपको समझ में आ गया कि यार ये पिस्टल मैच्योर हो गया, अब इसके ऊपर जो भी पोलन आप ऐड करेंगे वो डेवलप हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे कि वो जो एंथर था जिसको आपने जमा किया था, उस एंथर में से वो सारे पोलन जिन जो पुख्ता हो गए, उस स्टिग्मा पर आप क्या कर देंगे, झाड़ देंगे, और फूलों को दोबारा थैला बंद करके फूलों की नमू हासिल करने के लिए उनको क्या कर देंगे, रख देंगे। तो बेसिकली आपने क्या किया, पहले प्रॉब्लम क्या हो रही थी, पहले प्रॉब्लम ये हो रही थी कि दो सिंफी फ्लावर में ये होता था कि एंथर का डेवलपमेंट और पिस्टल का डेवलपमेंट दोनों भी अलग टाइम पे होता था, या एंथर का और पिस्टल का जो पोजिशन थी वो अलग थी। नतीजे में ये होता था कि आपको बहुत ज्यादा फ्लावर नहीं मिलते थे। अब आपने क्या दिमाग लगाया, आपने एंथर ही रिमूव कर लिया। अब एक जगह एंथर का मैचुरेशन आप करवा रहे, दूसरी जगह आप पिस्टल का मैचुरेशन करवा रहे। एंथर का मैचुरेशन करवाते करवाते आपने कुछ एंथर में से वो पोलन मैच्योर अगर हो गए तो आपने उनको जमा करके रखा है कि जब भी पिस्टल मैच्योर होगा आप ऐड कर दें। इससे बेसिकली हुआ क्या, इससे ये हो गया कि आपकी खुद ब खुद पैदावार क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा पोलन पिस्टल के साथ इंटरेक्शन करेंगे उतने ज्यादा सीड बनेंगे, उतने ज्यादा पौधे बनेंगे, उतना ज्यादा आपका फायदा। ठीक है, तो ये इस तरह की एक नई टेक्निक बनाई गई जिसको इमैस्कुलेशन कहा जाता है, जिसको बैगिंग कहा जाता है, जिसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहां पर होती है? दो सिंफी फूल में। फिर अगर मादा पेरेंट यक सिंफी फूल, अगर जो पौधा है उसके अंदर अगर यक एक सिंफी हो, या तो मादा या तो नर, तो इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, वहां पर इमैस्कुलेशन की नीड नहीं होती। फूलों को खिलने से पहले मादा फूल की कलियां थैला बंद कर दी जाती है। सिंपल क्या करेंगे कि जो मादा है उनकी जो कलियां है उनको थैला बंद, थैले से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ताकि वहां पर कोई अनवांटेड या ऐसे पोलन जिसको आप नहीं चाहते वो ना आए, या उनके साथ उनका इंटरेक्शन ना हो, उनका उनके साथ तामुल ना हो। इसलिए आपने क्या कर दिए, उनके पिस्टल को क्या कर दिए, थैले से बांध दिए। जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा, जब स्टिग्मा डेवलप हो जाएगा, जब वो पोलन को कबूल करने के काबिल हो जाएगा, जब वो इस हालत में पहुंचता है, तो मतलूबा पोलन के इस्तेमाल से जेरगी लाई जाती है। फिर आपका जो भी आप जिसको भी पोलन को चाहते हैं उस पोलन के साथ उसको क्या करेंगे, आप जेरगी का अमल करेंगे, और फिर फूल को दोबारा आप क्या कर देंगे, थैले से बांध देंगे। तो ये जो पूरा अमल होता है, इस अमल को कहा जाता है इमैस्कुलेशन। और इस इमैस्कुलेशन का फायदा क्या है, इस इमैस्कुलेशन का फायदा ये है कि आप जिस तरह का भी फ्लावर बनाना चाहते, आप जिस तरह के भी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर लाना चाहते हैं वो आप ला सकते हैं। उनके अंदर आप वही जिस क्या बोलेंगे उसको, वही पोलन का इंटरेक्शन करवाएंगे जिस पोलन के अंदर अच्छी क्वालिटी है। यानी पोलन की अच्छी क्वालिटी मतलब एंथर अच्छा था, एंथर अच्छा मतलब वो फ्लावर अच्छे थे, वो फ्लावर मतलब वो पौधे अच्छे थे। इस तरह से आप क्या करते हैं, इनके अंदर आप आर्टिफिशियल वे में टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रोसेस था जिसको हमने, ये जो था अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस था। अब आपको पूरा कंप्लीट लेक्चर देखना है डबल फर्टिलाइजेशन का, ये पूरा अमल आपको, ये पूरा अमल सॉरी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का ये पूरा लेक्चर आपको देखना है, और इसी मैस्कुलेशन टेक्निक को हम प्लांट ब्रीडिंग में भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये जो भी लेक्चर है इसको अच्छे से देखिए, समझिए और दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।